सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस मैं हूँ सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या है बेसिकली कि हम एसिडिक और बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करते हैं और ये बहुत ही ईजी होता है लेकिन स्टूडेंट को बहुत ही हार्ड लगता है ये इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सारे आंसर यहीं पर मिलेंगे फ्रेंड। आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा प्लेलिस्ट जिसमें आपके सारे 11th के प्रैक्टिकल मैंने कराए, अब आप सारे के आंसर भी मैंने दिए। आप इजिली उसको लिख सकते हो, देख सकते हो और अपने एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। सो फाइंड आउट करेंगे आज हम लोग एसिडिक और बेसिक रेडिकल, क्लियर, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आता है और कैसे करना है बहुत ही इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो चलो मैं एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अभी हम लोग पहला टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट। क्या है, अपने को थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, क्लियर, और उसमें थोड़ा सा वाटर डालना है और देखना है कि वो सॉल्युबल हो रहा है या नहीं, क्लियर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट लूँगा और इसमें ऐड करूँगा और इसमें फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगा और इसको हल्का सा शेक करूँगा। अगर सॉल्ट का 80% डिजॉल्व हो जाता है तो हमारा क्या रहेगा, ये सॉल्युबल। तो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा डिजॉल्व हो चुका है यहाँ पे, क्लियर। तो ये बेसिकली हमारा सॉल्युबल है, क्लियर, सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन। सॉल्युबल चीज़ें क्या होती है, क्रिस्टलाइन। तो आप इन्फ्रेंस में देख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और सल्फेट ये सब में भी प्रेजेंट। अगर ये डिजॉल्व नहीं होता तो ये अमॉर्फस हो जाता। अब देखेंगे कलर ऑफ द सॉल्ट, तो आप कलर सॉल्ट का देख रहे हैं कैसा है, तो ये बेसिकली वाइट कलर सॉल्ट है। कैसा है, वाइट कलर सॉल्ट है। तो क्या आ जाएगा इन्फ्रेंस में, Pb, एल्यूमिनियम, Mn, मतलब NH4 ये सब हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। अब करेंगे हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। क्या करेंगे आप, हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना रहेगा, ये मैंने टेस्ट ट्यूब ले लिया जो काफ़ी ड्राई हो, क्लियर। अगर ड्राई नहीं रहता तो आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा ड्राइंग कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके आप ड्राइंग कर सकते हो। अब हमें क्या देखना, हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट ले लिया, क्लियर, सॉल्ट ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। और आपको फ्रेंड्स रिजल्ट फटाफट देखना है कि आवाज़ आ रहा है कि सॉल्ट फ्यूज़ हो रहा है कि वाटर वेपर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्लियर। तो मैं यहाँ पर इसको हीट करता हूँ, ये जो आजू बाजू उसके जम रहा है ना, इसको बोलते हैं वाइट सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको, वाइट सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, वाइट सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको, वाइट सब्लिमेशन। क्या हो सकता है इसमें, क्लियर, इसमें आवाज़ फिलहाल नहीं हो रहा है, डिक्रिपिटेशन आप नहीं लिख सकते हो, तो एक ही पॉइंट इसमें लिख सकते हो, दूसरा वाइट सब्लिमेशन लिख सकते हो और तीसरा वाइट इन्फ्यूजिबल। ये इन्फ्यूजिबल रेसिड्यू है, मतलब ये रेसिड्यू काम नहीं हो रहा है, रेसिड्यू एज इट इज़ है। तो आगे वाला टेस्ट क्या है कि टेस्ट फॉर NH4, मतलब आपको सॉल्ट लेना है, उसमें NH4 डालना है और होल्ड करना है उसके ऊपर टर्मरिक पेपर माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको, क्या करना है आपको, NH सॉल्ट लेना है, क्लियर, और इसमें फ्रेंड्स आपको क्या डालना है, डाइल्यूट NaOH। तो ये मेरे पास NaOH है, ये इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा और इसको हीट करना है और इसके ऊपर क्या रखना है, मॉइस्ट टर्मरिक पेपर को। आपके पास टर्मरिक पेपर होगा, आप उसको क्या कर सकते हो, वहाँ पे रख सकते हो। ये मेरे पास टर्मरिक पेपर, आपको बिल्कुल इसको ऐसे रखना होता है, क्लियर। अगर टर्मरिक पेपर ब्राउन हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर टर्मरिक पेपर आपका क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, मॉइस्ट टर्मरिक पेपर तुम्हारा रेडिश ब्राउन में हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे हैं आपका टर्मरिक पेपर किस में हो गया, ब्राउन में हो गया। तो ये पहला सिंबल होता है यहाँ पे कि हमारा NH4 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। देखिए देखिए अब कैसा कैसा हो गया, ये रेडिश ब्राउन, ये जहाँ तक अमोनिया गैस इस टर्मरिक पेपर को टच कर रही है आप देख रहे हैं ये पूरा ब्राउन हो चुका है। तो पहला सिंपल अगर आपको अगर ऐसा कुछ मिल जाता तो आप समझ जाए कि उसमें जो पहला सॉल्ट होता है हमारा NH4, और मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि इसमें एक ही पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव। चलो तो मुझे NH4 की महक आ रही है, मतलब NH4 ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट है, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और अगले टेस्ट के साइड बढ़ता हूँ, जो है चारकोल कैविटी टेस्ट। तो आपको चारकोल कैविटी टेस्ट में क्या करना रहता है मैं आपको बता देता हूँ। एक वॉच ग्लास लेना है, क्लियर, आपको क्या करना है, एक वॉच ग्लास लेना है और इसमें Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट मिक्स करना है। लेकिन आपको सोडियम कार्बोनेट कितना मिक्स करना है, लगभग थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, लेकिन आप जितना सॉल्ट लोगे आपके उसके डबल क्वांटिटी में क्या ऐड करना है, Na2CO3 लेना है और थोड़ा सा सॉल्ट लेना और डबल क्वांटिटी में Na2CO3 लेना है। मतलब जितना आप सॉल्ट लोगे ना उसका डबल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, Na2CO3 होना चाहिए। तो लगभग आपको डबल क्वांटिटी में क्या ऐड करना रहता है, Na2CO3। अब ये जो आपने बनाया है इसको आपको क्या करना है, चारकोल में फिल करना है, ये और इस चारकोल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिल करूँगा, इसमें एक ड्रॉप वाटर डालना है ताकि ये गिरे ना, क्लियर, इसलिए हम यहाँ पे वाटर ऐड करते हैं, क्लियर, एक ही ड्रॉप आपको ऐड करना है ताकि ये यहाँ से गिरे ना। अभी आपको क्या करना है, आपने पेस्ट प्रिपेयर कर लिया है, अब आपको ब्लो पाइप लेना है, क्लियर, और पेयर्स ऑफ टंग लेना है,
उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करना है। तो कैसे हीट करना है, देखो ये येलो जब कर दोगे ना तो ये रिड्यूसिंग फ्लेम हो जाता है। क्या हो जाता है ये रिड्यूसिंग फ्लेम। अब आपको ऐसा माउथ से इसको कंटिन्यू फूकना है। ऐसे ही हीट करना है और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाइट इन्फ्यूजिबल रेसिड्यू आ रहा है। बेसिकली इसमें वाइट इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो आप, ये देख रहे हैं ये वाइट इंस्ट्रक्शन आ रहा है। तो वाइट इंस्ट्रक्शन बेसिकली अगर आता है तो हमें ना कोबाल नाइट्रेट टेस्ट करना होता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है इफ़ वाइट इन्फ्यूजिबल रेसिड्यू इज ऑब्टेन देन आपको कोबाल चारकोल कैविटी टेस्ट से अगर आपको ऐसा मिलता है तो आपको क्या करना रहता है, कोबाल नाइट्रेट टेस्ट। तो ये कोबाल नाइट्रेट टेस्ट बहुत ईजी होता है, आपको क्या करना रहता है, बस इसमें एक ड्रॉप क्या ऐड करना रहता है, कोबाल्ट ऐड करना रहता है। आपको बस इसमें एक ड्रॉप कोबाल्ट कर दिया। अब इसको वापस से आपको क्या करना रहेगा, हीट करना रहेगा, लेकिन इस बार इसको कोबाल्ट नाइट्रेट वाले टेस्ट को ब्लू फ्लेम में करते हैं। तो फिलहाल ये ब्लैकिश में आ रहा है, बेसिकली ये ग्रे आ रहा है, ये ग्रे आ रहा है। तो ग्रे में आपका क्या हो जाएगा और कैल्शियम क्या हो जाएगा मे बी प्रेजेंट। तो आपको इसमें यही करना रहता है कि अगर आपको चारकोल कैविटी टेस्ट से वाइट मिलता है तो इफ़ वाइट इन्फ्यूजिबल रेसिड्यू इज ऑब्टेन चारकोल कैविटी टेस्ट देन आपको एक से दो ड्रॉप कोबाल्ट नाइट्रेट डालना होता है इसमें और आपको वापस इसको ब्लू फ्लेम में हीट करना होता है। फिलहाल मुझे रेसिड्यू ग्रे मिल रहा है तो मेरा बेरियम और कैल्शियम क्या हो जाएगा प्रेजेंट। तो चलते हैं अभी फ्रेंड्स अगले टेस्ट की तरफ, फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट के लिए क्या लेना पड़ता है, आपको प्लेटिनियम वायर लेना पड़ता है। तो ये मेरे पास प्लेटिनियम वायर है। अब आपको इसको क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए आपको फ्यू ड्रॉप क्या लेना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड SCL। तो ये मेरे पास SCL है फ्रेंड्स, ये कॉन्सेंट्रेटेड SCL बहुत ही केयरफुली आपको यूज़ करना होता है। तो दो से तीन ड्रॉप आपको क्या लेना है, यहाँ पे SCL लेना है। तो मैं यहाँ पे दो से तीन ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड SCL ले लेता हूँ, क्लियर। और इसको क्या करना है, आपको प्लेटिनियम वायर को लेना है और इसमें डीप करके इसको क्या कर देना है, क्लीन कर देना। तो आपको प्लेटिनियम वायर को बिल्कुल ऐसे डीप करना है ताकि ये क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड SCL में क्लीन हो जाए। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि आपका जो सॉल्ट है उसको थोड़ा सा लेना है और इस SCL में मॉइस्ट करना है, जब दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट सब्सटेंस, इसको हम लोग सब्सटेंस भी बोलते हैं। थोड़ा सा आपको लेना है और इसमें मॉइस्ट करना है। अब आपको क्या करना है कि अपने प्लेटिनियम वायर को लेना है और इसमें ऐड करना है, क्लियर। और इस फ्लेम के अगेंस्ट क्या करना है, कलर देखना है। तो बेसिकली आप जो कलर यहाँ पे देख रहे होगे ये रेड में ही आ रहा है और ये बहुत ही फास्ट होता है रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि तुरंत आपको कलर इसका क्या करना होगा, पहचानना होगा। देख रहे हैं ये बेसिकली ब्रिक रेड में आ रहा है। तो ब्रिक रेड का जो भी इन्फ्रेंस है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अरे कैल्शियम क्या हो जाएगा प्रेजेंट। बोरेक्स बीट टेस्ट, तो बोरेक्स बीट टेस्ट के लिए फ्रेंड्स आपको बता दूं कि फॉर कलर सॉल्ट ओनली करते हैं, हमारा सॉल्ट कलर नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे बोरेक्स बीट टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, क्लियर। अब हम लोग अगला अपना अनायंस का करेंगे, ड्राई टेस्ट फॉर अनायंस। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें क्या करना है, सॉल्ट लेना है, क्लियर। अब सॉल्ट में आपको क्या डालना है, इसमें डायल्यूट SCL। अगर डायल्यूट SCL डालने के बाद कलरलेस गैस विथ एफरवेसेंस आया तो हमारा क्या हो जाएगा, CO3 प्रेजेंट। तो हम यहाँ पे सॉल्ट में ये डालते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। अब कुछ नहीं आ रहा है इन द सेंस, मतलब यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सेंट। अब आएंगे अपने हम टेस्ट नंबर टू पे। सॉल्ट लेना है और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है और उसको हीट करना है, क्लियर क्लियर। और इसमें क्या डालूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होता है, आपको बहुत इसको केयरफुली लेना रहता है। और फ्रेंड्स इसमें जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मैं ऐड करूंगा दो से तीन ड्रॉप, तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए कि हमें कलरलेस गैस विद गिविंग वाइट डेंस फ्यूम विद NH4 डिपेड इन OH। तो पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो NH4 OH है इधर रेडी रखते हैं इसको, इसका भी अभी काम है। तो मैं आपको बताता हूँ ये टेस्ट कैसे करते हैं। इसमें क्लोरीन अगर प्रेजेंट आता है तो उसमें बहुत सारी ना गैसेस निकलेंगी, अगर नहीं आया गैसेस तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, हमारा एब्सेंट, क्लियर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ ड्रॉप पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालता हूँ और इसको क्या करूँगा, हीट करूँगा। तो दो से तीन ड्रॉप ही आपको डालने, क्लियर। देखिए ये यहाँ पे गैस निकलना, कलरलेस गैस यहाँ पे निकल रहा है, मुझे फिलहाल दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, एक ग्लास रोड लेना है और इसको क्या करना है, NH4OH में डीप कर देना है, ऐसे आपको दिख रहा है NH4OH में आपको ऐसे डीप कर देना है और इसको हीट करना है। आपको इसको क्या करना है, हीट करना है। लेकिन आपको हीट करते टाइम अगर आपने इसके ऊपर ये NH4OH में डीपेड ग्लास रोड को रखा, अगर इसमें से गैस आई तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं ये देखिए
ये गैस आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, क्लियर। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है हमारा प्रेजेंट है। अब हम आगे करेंगे एक्शन ऑफ MnO2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हमें इसमें लेना है सॉल्ट और पिंच ऑफ MnO2 लेना है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है और इसको हीट करना है। तो अगर हमें ग्रीनिश गैस मिलती है, ग्रीनिश येलो गैस मिलती है, सॉल्ट लेना है, क्लियर। और उसको क्या डालना है, थोड़ा सा MnO2 पाउडर डालना है। तो मैं ये मेरे पास MnO2 पाउडर है, मैं एक पिंच डालूंगा इसमें, एक पिंच क्या डालूंगा MnO2 पाउडर, क्या डालूंगा इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कलरलेस गैस हो सकती है, ग्रीनिश येलो गैस हो सकती है, और पेपर का अगर कलर चले गया, फिर लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर का रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा क्लोरीन क्या हो जाएगा प्रेजेंट। लिटमस पेपर निकाल के रखता हूँ, H2SO4 इसमें ऐड करता हूँ और इसको क्या करना है, हीट करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा H2SO4 इसमें ऐड करता हूँ, H2SO4 इसमें ऐड करता हूँ, दो से तीन ही ड्रॉप फ्रेंड्स आपको ऐड करना रहता है, क्लियर। दो से तीन ड्रॉप ऐड करने के बाद अब आपको मुझे इसको हीट करना है और इसके ऊपर लिटमस पेपर क्या हो गया हमारा रेड में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली इसमें से ग्रीनिश येलो गैस भी हमें दिख रही है, आप जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको यहाँ पे हल्का हल्का दिखेगा। लिटमस पेपर भी हमारा रेड हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ब्लीच भी हो गया, रेड भी हो गया, तो क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा प्रेजेंट। अब क्लोरीन प्रेजेंट हो गया तो हमें नीचे की टेस्ट करने की जरूरत नहीं। कैसा है कि इसमें ग्रीनिश गैस आपको दिख रही है यहाँ पे ऊपर, ग्रीन ग्रीन जैसा आपको दिख रहा होगा, क्लियर। सो आपको ये ग्रीन ग्रीन जैसा दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये बेसिकली ग्रीनिश गैस है। तो हमें जो आगे का टेस्ट है कॉपर फॉइल वाला टेस्ट, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें इफ ब्राउन गैस इज ऑब्टेन तभी हमें करना है, पर हमें यहाँ पे तो ग्रीन गैस मिल रही है, क्लियर। तो हमें कॉपर वाला टेस्ट नहीं करना है। अब हम आएंगे अपने ग्रुप एनालिसिस के ऊपर। तो पहले हम लोग करने वाले जीरो ग्रुप। तो फ्रेंड आपको बता दूं कि अगर आपका जीरो ग्रुप प्रेजेंट आ जाता है, अगर आपका जीरो ग्रुप प्रेजेंट आ जाता है, तो आपको डिटेक्शन ऑफ ग्रुप करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक ही सॉल्ट देते हैं। तो अगर जीरो ग्रुप आ गया तो आपका NH4 प्रेजेंट, और NH4 प्रेजेंट आ गया तो आप उसका सीटी करेंगे और आप नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। तो पहले चलो हम लोग ग्रुप जीरो ग्रुप करके देखते हैं। तो ऑलरेडी हमें पता है कि पीछे वाले टेस्ट से ना हमें मिला था कुछ NH4 का टेस्ट जब किए थे। सो फ्रेंड्स अभी मुझे जीरो ग्रुप एनालिसिस करना है। तो अगर ये जीरो ग्रुप में अगर प्रेजेंट आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा और हमें डायरेक्ट सिटी करना रहेगा, ग्रुप डिटेक्शन नहीं करना रहेगा। सो हम क्या करेंगे, हम पहले काम करते हैं OS बनाते हैं। कैसे OS बनाना है, आपको बहुत सारा सॉल्ट ले लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको सॉल्ट ले लेना है। आपको OS कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्ट ले लेना है और इसमें एक टेस्ट ट्यूब या आधा टेस्ट ट्यूब आप पानी डाल सकते हो, आपको थोड़ा सा ही सॉल्ट लोगे तो पर भी चलेगा। इसको डिजोल्व कर देना है और ये आपका OS बनके क्या हो गया फ्रेंड्स, रेडी हो गया। अब मुझे इसी OS को लेके ना थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना होता है। जैसे मैं OS लेना है, थोड़ा सा OS लेना है और इसमें क्या डालना है फ्रेंड्स, NaOH, डायल्यूट NaOH इसमें ऐड करना है। तो ये मैं डायल्यूट NaOH इसमें ऐड करूँगा और इसको हीट करना है और इसके माउथ पे टर्मरिक पेपर को क्या करना है, होल्ड करना है। इसके माउथ पे क्या करना है, टर्मरिक पेपर को होल्ड करना है। मॉइस्ट टर्मरिक पेपर है, मैं इसको हीट करूँगा और मॉइस्ट टर्मरिक पेपर को क्या करूँगा, इसके माउथ के ऊपर रखूँगा। अगर ये ब्राउन हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रेजेंट हो जाएगा। अगर टर्मरिक पेपर आपका क्या होता है, ब्राउन एंड रेड हो जाएगा तो आपका जीरो ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये टर्मरिक पेपर क्या हो जा रहा है, ब्राउन हो गया है, प्रेजेंट है। वो कौन सा प्रेजेंट है, जीरो ग्रुप प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स मुझे एक बात बताओ, अगर जीरो ग्रुप प्रेजेंट आ गया तो आपको क्या डिटेक्शन ऑफ ग्रुप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एक ही सॉल्ट फाइंड आउट करना होता है, क्लियर। एक ही सॉल्ट फाइंड आउट करना होता है तो आपको तो जीरो ग्रुप मिल गया, तो आप जीरो ग्रुप का क्या कीजिए, डायरेक्ट सीटी कीजिए। बहुत ही आसान है, आपको क्या लेना है, OS लेना है, क्लियर। और इसमें क्या ऐड करना है, नेशनल रिएजेंट ऐड करना है और वो भी एक्सेस में। तो अगर ब्राउन पीपीटी फॉर्म होती है तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट। अगर ब्राउन पीपीटी नहीं आती है तो आपका NH4 क्या हो जाएगा, एब्सेंट। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउन पीपीटी बनना क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, पीपीटी यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, तो हमारा NH4 क्या हो गया, प्रेजेंट। तो अब हमें ग्रुप डिटेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा सीटी में एब्सेंट आ जाता तो हमें ग्रुप डिटेक्शन क्या करना पड़ता, ड्राई टेस्ट फॉर कटायंस करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि ग्रुप एनालिसिस करना पड़ता है। अब उस ग्रुप एनालिसिस में तुमको प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एक होता है जीरो ग्रुप जो कि सेपरेट दिया हुआ है और एक होता है डिटेक्शन ऑफ ग्रुप, मतलब कि ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर, आप देख पा रहे मेरे बाजू में। मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर मान लो आपको जीरो ग्रुप
डिटर्जेंट मिल गया तो आपको ना जीरो ग्रुप डिटेक्शन में से आपको 1, 2, 3, 4 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो सॉल्ट देते हैं ना आपको, उस सॉल्ट में क्या होता है, एक बेसिक होता है और एक एसिडिक होता है। बेसिक मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और एसिडिक जिसके ऊपर क्या होता है माइनस चार्ज, तो उसमें तो दो ही प्रेजेंट होगा। तो बेसिक का अलग टेस्ट है और एसिडिक का अलग टेस्ट है। तो जब हम लोग ग्रुप एनालिसिस करते हैं, क्लियर, तो ग्रुप एनालिसिस में क्या होता है, अगर जीरो ग्रुप आ गया तो उसका सीटी कर दो, अगर सीटी में आपको रिजल्ट आ रहा है तो वहीं पे एक्सपेरिमेंट ये स्टॉप हो जाता है पॉजिटिव वाला, क्लियर। अगर आपको जीरो ग्रुप नहीं मिलता तो आपको ग्रुप डिटेक्शन में से 1, 2, 3, 4, 5 में से आपको कोई एक फाइंड आउट करना पड़ेगा। ब्राउन पीपीटी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जनरेट हो चुका है, क्लियर। तो ब्राउन पीपीटी क्या दिखाता है कि यहाँ पे NH4 प्रेजेंट है, अब हमें ग्रुप डिटेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, करने वाले वेट टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल, क्लियर, क्योंकि हमारा जीरो ग्रुप मिल चुका है। तो जीरो ग्रुप मिल चुका है तो 5 मार्क्स हमारा कंफर्म हुआ था, हमें पॉजिटिव मिल चुका है। अब हम नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव। आपको OS लेना है, क्या लेना है आपको, OS, और OS में आपको फ्रेंड्स क्या डालना है, AgNO3। तो अगर वाइट PPT आता है तो CO3 प्रेजेंट, और वाइट PPT सॉल्युबल होता है डायल्यूट HNO3 में तो SO3 प्रेजेंट, क्लियर। और वाइट PPT वाइट और येलो PPT इनसॉल्युबल इन डायल्यूट HNO3 होता है तो क्लोरीन ब्लोरीन और आयोडीन प्रेजेंट, और नो PPT आता है तो पर भी हमारा क्लोरीन ब्लोरीन आयोडीन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, क्लियर। तो ये मेरे पास है फ्रेंड्स AgNO3, आप देख रहे हैं, ये मेरे पास है AgNO3, मैं इसको इसमें ऐड करता हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं वाइट PPT जनरेट होना शुरू हो चुकी है, ये फिलहाल वाइट PPT आ चुकी है, आपको दिख रहा होगा ये वाइट PPT। अब ये वाइट PPT क्या होनी चाहिए, सॉल्युबल अगर डायल्यूट HNO3 में हो गया तो CO3 प्रेजेंट, और इनसॉल्युबल इन डायल्यूट HNO3 हुआ तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन प्रेजेंट। HNO3 मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, डायल्यूट HNO3 मैंने ऐड किया लेकिन ये PPT जा नहीं रहा, दैट इज इनसॉल्युबल, तो और CO3 के बबल्स भी नहीं आ रहे, तो CO3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, एब्सेंट, लेकिन तुम्हारा क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, क्योंकि आप ये व्हाइट PPT एज इट इज देख रहे हैं, क्लियर। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन प्रेजेंट हो गया। अब हमें क्या करना है कि क्लोरीन प्रेजेंट है कि ब्रोमीन प्रेजेंट है कि आयोडीन प्रेजेंट है, कोई एक निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, OS प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन वाटर, क्लियर। और अगर कलरलेस लेयर फॉर्म होता है तो क्लोरीन, येलो लेयर फॉर्म होता है तो ब्रोमीन, और वायलेट लेयर फॉर्म होता है तो क्या हो जाएगा, आयोडीन। तो चलो मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। OS में फ्रेंड्स आपको क्या डालना है बताइए, क्लोरोफॉर्म, ये मेरे पास है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इसमें डाल दिया। अब डालेंगे क्लोरीन वाटर, क्या डालेंगे फ्रेंड्स इसमें, क्लोरीन वाटर। तो ये मेरे पास है फ्रेंड्स क्लोरीन वाटर, तो मैं यहाँ पे क्लोरीन वाटर इसको ऐड करता हूँ थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो लेयर देख रहे हैं ना, ये कलरलेस लेयर है, क्लियर, ये कोई कलर है क्या, वायलेट ब्लू ग्रीन कोई कलर दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, तो ये बेसिकली कलरलेस लेयर है। तो कलरलेस लेयर हो जा रहा हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा क्लोरीन प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर कलरलेस लेयर होता है तो हमारा क्या आता है इसमें, क्लोरीन। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, बस क्लोरीन का सीटी करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर यही वायलेट कलर आता, येलो कलर आता तो ब्रोमीन का सीटी करते, वायलेट कलर आता तो आयोडीन का सीटी करते, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कलरलेस लेयर जनरेट हो रहा है, तो जिसके वजह से हम किसका सीटी करेंगे, ओनली क्लोरीन का करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स हम परफॉर्म करते हैं सीटी फॉर क्लोरीन। आपको OS लेना है, सीटी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, OS लेना है, और इसमें क्या डालना है, MnO2 डालना है, क्या डालना है आपको, MnO2, और MnO2 डालने के बाद 2 से 3 ड्रॉप क्या डालना है इसमें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है। अगर ये क्या आ जाता है, देखो ना लिटमस पेपर तुम्हारा, मैंने ये OS ले लिया और यहाँ पे MnO2 ऐड कर दिया, आपको क्या डालना है फ्रेंड्स, 2 से 3 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो 1, 2, 3 ड्रॉप मैंने क्या डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब इसको हीट करेंगे, ग्रीनी से लो गैस विच टर्न्स लिटमस पेपर इन रेड या फिर ब्लीच हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट। तो चलो मैं इसको हीट करता हूँ और लिटमस पेपर को थोड़ा सा मॉइस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास वाटर है, मैं यहाँ पे मॉइस्ट कर दे रहा हूँ, इसको हीट करता हूँ। अगर हमारा लिटमस पेपर क्या हो जाए, आप देख रहे हैं लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, सो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लिटमस पेपर जो था हमारा, ये हमारा लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया। लिटमस पेपर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया ब्लू से, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन प्रेजेंट। एक और CTA मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लीड एसीटेट का है, OS प्लस लीड एसीटेट, अगर वाइट PPT आता है तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। तो ये आपका ये लास्ट टेस्ट रहेगा जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ क्या करना है आपको, OS लेना है और इसमें क्या डालना है, लीड एसीटेट डालना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लीड एसीटेट डालूंगा। तो आप ये वाइट PPT देख रहे हैं फ्रेंड्स,
आप ये वाइट पीपीटी देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्लोरीन प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर। तो वाइट पीपीटी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। तो यही होता है कि अगर हमारा क्लोरीन प्रेजेंट होता है तो लीड एसिटेट डालने के बाद ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सो फाइनली ये टेस्ट मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। आपको याद, आपको कैसे पहचानना, कैसे रहता है कि अगर आपको जीरो ग्रुप मिल जाता है फ्रेंड्स, तो आपको कहीं जान ग्रुप डिटेक्शन करने की जरूरत ही नहीं, लाइक 1, 2, 3, क्योंकि ग्रुप डिटेक्शन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, आपको करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें हमें जीरो ग्रुप मिल गया तो हमें ग्रुप डिटेक्शन नहीं करना है। क्लियर। जीरो ग्रुप मिल गया उसका सिटी करो, सिटी में प्रेजेंट आया तो ठीक है, आपका बेसिक वहीं कंप्लीट हो जाएगा, मतलब प्लस वाला। और एसिडिक के लिए वेट टेस्ट करो, वेट टेस्ट में से कोई एक निकालो और उसका सिटी करो, आपका वो क्या हो जाएगा, कन्फर्म। अगर आपको सिटी में वो प्रेजेंट नहीं आता तो आपका वेट टेस्ट में मतलब गलती हो सकता है, तो वेट टेस्ट में थोड़ा वो चेकआउट कर सकते हैं वापस से टेस्ट करके, कि अगर आपको बेसिक रेडिकल में जीरो ग्रुप मिल गया तो आप उसका क्या करिए, जाके सिटी करिए बस। लेकिन आपको अगर जीरो ग्रुप नहीं मिलता है तो आप ग्रुप डिटेक्शन में से 1, 2, 1, 1 आया या फिर 2 आया, फिर मतलब कोई एक ही आएगा उसमें से भी आपको क्या आएगा, कोई एक ही आएगा। मान लो 1 आया तो 1 का सिटी करो, 2 आया तो 2 का सिटी करो, तो अगर 1, 2 नहीं आया तो 3 का टेस्ट करो, 4 का टेस्ट करो, 5 अगर 5 तक आया तो 5 का सिटी करो। फ्रेंड्स अब यहाँ पे वेट टेस्ट में, वेट टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल में आप क्या देख रहे हो कि मुझे जो है वो क्लोरीन मिला है। क्लियर। ऐसे आपको CO3 मिल सकता है, क्लियर, CO3 मिल सकता है, SO4 मिल सकता है, समझ रहे हो। तो आपको वेट टेस्ट में से ना कोई एक आपको फाइंड आउट करना रहता है और उसी का आपको सिटी करना रहता है। जैसे मुझे क्लोरीन मिला तो मैं क्लोरीन का सिटी करूंगा। अगर मान लो आपको कार्बोनेट मिलता है CO3 2- तो आप CO3 2- का क्या करते, सिटी करते हैं। अब आप आंसर देख रहे होंगे कि मेरा जो आंसर आया है वो NH4 और Cl आया है, जो हमारा रिजल्ट है वो NH4 Cl। NH4 को अमोनियम बोलते हैं और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रैक्टिकल, लाइक जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है तुम्हारे 11th केमिस्ट्री के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रैक्टिकल एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है केमिस्ट्री तड़का करके है, सो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू।